प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का अर्थात कक्षा ट्वेल्थ आर्ट संस्कृत के विद्यार्थियों का स्वागत है और सुबह का सुप्रभातम है। आप सभी विद्यार्थी बड़े खुशी के साथ इस वीडियो के माध्यम से जो आपके पास जो मैटर पुस्तक का या विषय का जो भेजा जा रहा है उसको आप अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी तरह नोटबुक में उतारें और आप ये नहीं समझें कि इसको अपन नहीं उतारें, उतार करके समझ करके इसको लिखें। वही मैटर है जो अपन क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास में बताते हैं, आपको फिर से मैटर बताया जा रहा है। संधियों के साथ साथ आपको सूत्र भी याद रखना है। जैसे अपने आज ये संधि जो चल रही है वीडियो के माध्यम से आपके सामने जो भेजा जा रहा है वो है उत्तर संधि सेकेंड, इसका सूत्र है हसीच है। प्रिय विद्यार्थियों, ये हसीच है, ये आपके सामने जो सूत्र भेजा जा रहा है, संधि भेजी जा रही है, तो संधि के साथ साथ आपको सूत्र भी याद रखना है। इस सूत्र का मतलब यह है कि सूत्रानुसार ए विसर्ग से परे, परे का मतलब ये होता है विद्यार्थियों, ये तो इधर, इससे इधर, ये परे है। परे किसी भी वर्ग का, चाहे क वर्ग का हो, चाहे च वर्ग का हो, चाहे ट वर्ग का हो, चाहे तय वर्ग का हो, चाहे पै वर्ग का, किसी भी वर्ग का। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा है ये रे ले वे वर्ण आई, संधि विच्छेद जब होता है तो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या है ये रे ले वे वर्ण आए तो संधि करते समय ए विसर्ग का ओ होगा। जैसे बाल कह गच्छती, अब यहाँ पर बाल कह गच्छती इसमें ए विसर्ग है ये, और इसके आगे क वर्ग का तीसरा वर्ण है अर्थात जल वर्ण का तीसरा वर्ण, लिखा ना कि किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या है रेलवे हो, तो इस दोनों पदों में देखो, दोनों पदों में ए विसर्ग से परे क वर्ग का तीसरा वर्ण ग है, तो संधि करने पर ए का ओ होकर बाल को गस्ती पद बना है। प्रिय विद्यार्थियों, ए उसमें उत्तर फर्स्ट में क्या था, ए विसर्ग का ओ होता था, लेकिन उसके आगे ए विसर्ग के आगे ए स्वर आता था, और इसमें ए विसर्ग के आगे क्या आता है, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या है ये रे ले वे वर्ण ये आते हैं। तो आप इस बात को समझें, तो इसको जब अपन लिखें और संधि किए तो संधि करने पर क्या बना है, इसका बाल को गच्छती बना है। जैसे अन्य उदाहरण और हैं, जैसे आपको बताऊं मैं, जैसे यह है मोहने लिखती, यह है अब ए विसर्ग, ये है ए विसर्ग, ये ए विसर्ग है, और इस ए विसर्ग का क्या हो रहा है यहाँ पर ओ, और यहाँ पर आगे क्या है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या है ये रे ले वे, तो इसमें क्या बन रहा है ले आ गया, तो इसमें ए विसर्ग का क्या होगा ओ, तो क्या बन गया ये मो है नो गत लिखती, ये बना मोहनो लिखती। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण आपको बताए जाएंगे, अभी बताए जा रहे हैं अन्य उदाहरण मोहनो लिखती, इसके आगे अन्य उदाहरण और बताए जा रहे हैं मोहनो लिखती, अन्य उदाहरण हैं मनोहर है, यशोदा, मनोहर है यशोदा, नमो नमः, नमो नमः, मनोघर है
मनोघरे रामो वदती, रामो वदती बालो रीति, बालो रीति शिवो बंधे, शिवो बंधे बालो हस्ती, इत्यादि। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तव सेकंड का जो नियम है कि ए विस्तर के आगे किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, या है ये रे ले वे वर्ण आए, तो संधि करते समय ए विस्तर का क्या होगा? ओ होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से इस संधि को अच्छी तरह समझ लें। इसके अन्य उदाहरण और हैं, जैसे मनोहरे तो मने प्लस हरे, यशोदा यशे प्लस दा, नमो नमः नमः प्लस नमः, मनोघरे मने प्लस घरे, रामे प्लस वत्ती, बालो प्लस रीति, शिवे प्लस वंदे, बाले प्लस अस्ति, इत्यादि जो शब्द हैं ये इसी संधि के उदाहरण हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको समझ करके उतारें और ध्यान से पढ़ें। आज का वीडियो के माध्यम से आपको यही मैटर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।